नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबरों को लेकर लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास को खाली करके यानी कि एक अन्य मार्ग से शिफ्ट होकर उस सात अन्य मार्ग में जा चुके हैं। यानी कि जो चर्चाएं थी वो तेज थी, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि साफ तौर पे हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश सिजवानी ने प्रतिक्रिया जाहिर की है और साफ तौर पे कह दिया है कि चाहे जो भी हो, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 तक कहीं नहीं जाने वाले हैं, चाहे कोई भी उन्हें पद क्यों ना मिल जाए, क्योंकि अच्छा काम करने पर राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, पद मिलना ही होता है। अच्छा काम करने पर लोग बुलाते ही हैं, मानते ही हैं। लेकिन जो स्थिति इस वक्त बिहार में है, ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर दानिश सिजवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर के, साथ ही साथ तमाम मामलों को लेकर के, आइए सुनिए। देखिए, पूरी तरीके से सरकार जो है अपना काम कर रही है। जनादेश 2020 में 5 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाने का मिला है और 5 साल तक ये सरकार चलेगी। कहीं किसी को गफलत में रहने की ज़रूरत नहीं है। बयानबाजी होती रहती है, एक दूसरे के ऊपर में टिप्पणी भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार छोड़कर जा रहे हैं। बिहार की जनता ने जनादेश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को दिया है और 2025 तक का ये जनादेश है। इसलिए 2025 तक बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम आ रहा है। देखिए, जब आप अच्छा काम करिएगा तो उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए, अलग अलग पदों के लिए नाम आता है, लेकिन बिहार की जनता पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भरोसा है और बिहार की जनता को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। तो ये दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन बता रहा है कि बिहार में आज भी नीतीश कुमार जी की जरूरत है और 2025 तक कोई पद मिले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं, बिहार में रहेंगे, बिहार की जनता के साथ रहेंगे। बंगला खाली करने के पीछे भी कहीं, देखिए, ये बंगला खाली, चूंकि सीएम हाउस में अभी डेकोरेशन का काम चल रहा है, इंटीरियर काम होना है, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम होना है, इसलिए वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, चूँकि जब लेबर काम करेंगे तो वहाँ मुख्यमंत्री का रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो उन्होंने बंगला शिफ्ट किया है। इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। तो आपने सुना, साफ तौर पर डॉक्टर दानिश सिजवानी ने बता दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 तक कहीं नहीं जाने वाले हैं, लिहाजा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2025 तक बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। ऐसे में जाहिर तौर पर जो लोग कयास लगा रहे, वो कयास लगाना बंद कर दे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही हैं और 2025 तक यही रहेंगे और जो सरकार है पूरे 5 साल तक चलेगी। तो आप ऐसी तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।